के साथ कह रहा है कि हाँ भगवान का दर्शन होता है, तो क्या यह सच्चाई है? किसी ने दर्शन किया है कि बस निरंकारी मिशन ही दर्शन की बात करता है? शास्त्रगत जब हमारे जीवन में दर्शन होता है ना, तो दर्शन एक ऐसा शब्द है कि जहां शास्त्रगत जिसका कोई अंत नहीं। दर्शन हम मिट्टी का भी कर रहे हैं, दर्शन हम सोने का भी कर रहे हैं, दर्शन हम मुहूर्त का भी कर रहे हैं, दर्शन हम सूरत का भी कर रहे हैं, और दर्शन हम अभेद्य वस्तु निराकार का भी कर रहे हैं, जो अनुभव के साथ जुड़ा हुआ है। जिसने पाया उसी ने गाया, जो नहीं पाया वो क्या गाएगा, वो क्या गाएगा? मीरा पाई तो सरे मैदान में गाई। शास्त्रगत कौशल्या माँ ने राम को पाया तो सरे मैदान में जंगल भेज दिया, कभी ऊस नहीं आई और दशरथ राम के लिए प्राण त्याग दिए। आज जो महीना चल रहा है ना, ये पितृपक्ष है। इस पितृपक्ष में लोग अपने पितर को याद करते हैं और उनके लिए पिंडदान करते हैं। शास्त्रगत पिंडदान करते समय हमारे वेद में है कि अगर कौवा आकर के उस पिंडदान को ग्रहण कर ले तो समझ लीजिए आपके पितर ने ग्रहण कर लिया। अब सोचिए कि हमारी सोच कितनी ऊंची है कि जो मुझे पैदा किया, जो मुझे इतना वैभव दिया, उसको मैं किस रूप में देख रहा हूं? कौवे के रूप में। कि कौवा आएगा और मेरे उस पिंडदान को अगर ग्रहण कर लिया तो मेरे पितर उसे स्वीकार कर लिए, इसका मतलब कि मेरे पितर कौवा हो गए हैं और कोई बिरादरी उनको नहीं मिली। ये तो प्रथम सोपान। दूसरा शास्त्रगत और आगे बढ़ते हैं, पिंडदान करते हैं। पिंडदान करने के बाद शास्त्रगत हम पैती पहनते हैं और पैती उल्टी पहनते हैं, दूसरी तरफ होती है। वो पैती बताती है कि दान जो तू दे रहा है ना, ये दान तेरे लिए है, क्योंकि उल्टी है वो। अब मेरे लिए मैं जो दे रहा हूं वापस मुझे मिल रहा है, मेरे पितर कैसे पा रहे हैं बेचारे को, उनका बन के कैसे ले जाएंगे? और कबीर साहब लिखते हैं कि अगर तू अपने पितर को खोज रहा है तो कहां खोजेगा, बूंद समानी समुद्र में अब कत खोजी जाए। समुद्र में जो बूंद गिर गई है वो तो समुद्र हो गई। ईश्वर से जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख। करेंगे अंश जो है ईश्वर का है, ये जीव है। अब अंश तो अंश, अंशी जब अपने अंश में मिल जाएगा, अपने अंशी से मिलेगा, तो वो फिर कहां रह जाएगा कुछ और? वो तो खो गया अपने समुद्र में, उतर गया अपने आप में। जो हमारे अंशन है कहीं दूर नहीं है, दूर तू किसको खोजता, अंशन तेरे राम। मेरे मित्र, दूर तू जिसे कह रहा है वो दूर नहीं तेरे अंशन है, बल्कि तू दूर है, क्योंकि तुझे इसकी जानकारी परख नहीं है। बोले भैया ये क्या हो रहा है? करे पितरों को पानी पिला रहे हैं। अच्छी बात है, हमारे देश की संस्कृति कितनी ऊंची है, हम मरे हुए बाप को भी पानी पिलाते हैं, है ना? अरे जिंदा बाप को भले ना पिला पाए, मरने के बाद जरूर पानी पिलाते हैं हम, हमारी संस्कृति है। शास्त्रगत वहां गुरु नानक देव जी खड़े हो गए, कहते हैं भैया मैं भी थोड़ा पानी का काम कर लूं। कहते हैं हाँ आप भी दे दीजिए, आपका पुत्र मुक्षी चल रहा है। गुरु नानक देव जी उतरते हैं पानी में और वो लोग पूर्व करके तर्पण कर रहे हैं। गुरु नानक देव जी तेरे खेत में पानी कहां पहुंचेगा? गुरु नानक देव कहते हैं कि जब खेत से खेत की दूरी 50-100 बीघा है, पानी नहीं पहुंच सकता, तो पितर को पता नहीं कहां है महाराज, यहां से पानी पिला रहे हो तो कैसे पाएंगे? नए खुल गए, आप खुल गए, हम किसी व्यवस्था को गलत नहीं कह रहे हैं, तो वो प्राइमरी स्तर है हमारा, भक्ति का प्राइमरी स्तर है। हम तभी संस्कारित हैं और देश से ज्यादा, क्योंकि हम अपने पितर को भी पानी पिलाते हैं। हम संस्कारित हैं कि भगवान के प्रति मेरी आस्था है, हम पूजा करते हैं, हम संस्कारित हैं, हमारे संस्कार पीछे से आ रहे हैं, लेकिन आगे के लिए जब सतगुरु मिलेगा तो महाराज सबसे ऊपर कर देगा, वो ये सारी बातें हमारी भूल जाएंगी।
हम एक ब्रह्म को एक को ब्रह्म दूती और नास्ती तो एक है उसे जान जाएंगे। अर्जुन खड़ा है बीच मैदान में, कहता महाराज मैंने युद्ध नहीं करना। क्यों नहीं करोगे भाई, क्या कारण है? युद्ध करने आए हो, कायर की तरह पेट दिखा मानते ही नहीं। अर्जुन वहां ठहर गए हैं। कृष्ण महाराज कहते हैं गीता उठाओ, श्री मुखवाणी है मेरे मित्र, शरमान धर्मानि परिचय मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। हे अर्जुन अपने सारे धर्म को तुम छोड़ क्या, मेरी एक की शरण में आ, और जब तू मेरी एक की शरण में आएगा तो तेरे सारे पापों का नाश मैं कर दूंगा। अर्जुन महाराज हो गए शरण में, शरणागत जब हो गए तुम्हें प्रभु का दर्शन मिला, भगवान का दर्शन मिला, युद्ध किया। कहानी हम बहुत लंबी नहीं करते क्योंकि हम कहानी में नहीं जाते, हमें तो आपके चरणों तक संदेश पहुंचाना है अपने सदगुरु का। साक्षात कृष्ण महाराज कहते हैं अर्जुन क्या हो गया, अभी तो तू कायर हो गया था, अब इतनी जल्दी तुम्हारे पास इतना ताकत कहां से आ गई। अर्जुन कहता है प्रभु अब मैंने आपको जान लिया, मैं आपको पहचान लिया हूं, अब मैं धोखा खाने वाला नहीं हूं। कहते अरे मैं इतना दिन तुम्हारे साथ रहा, क्या तूने मुझे पहचाना नहीं? कहते हैं प्रभु इसी का तो गिला शिकवा है, पहले मुझे माफ करो, मैं जो पहचानता था वो मित्र दोस्त सखा यादव यही पहचानता था, लेकिन आज जो मैंने देखा वो आपका रूप कुछ और है, वो कौन सा रूप है बताओ ना। कृष्ण महाराज कहते हैं कौन सा रूप है जो तूने देखा आज? द्यावा पृथ्वीं मंत्रम ही। गीता उठाओ मेरे मित्र, कितना बढ़िया अपना दे रहे स्टेटमेंट पाने के बाद, क्योंकि पीएचडी कर लिए अब, ब्रह्म को प्राप्त करने के बाद फिर कोई विद्या शेष नहीं रह जाती, सारी विद्याओं के मालिक हो जाओ, पूरी दुनिया पर तुम्हारा राज हो, लेकिन अगर ब्रह्म विद्या तुम्हारे पास नहीं है तो विद्या विहीन हो, तुम विद्या विहीन हो।